इंडियन टीम जो अंडर 17 बॉयज है उसका एज ए हेड ऑफ द डेलीगेट्स बनाया गया है मुझे। पूरा आइलैंडर्स के उनका दुआ के लिए कामना करता हूँ कि वो दुआ करे कि हम लोग सही सलामत जाए और अच्छा से जाके इंडियन टीम जो खेलेंगे वहाँ अच्छा अपना प्रदर्शन करे, ताकि जो हेड ऑफ द डेलीगेट संजय पिचाई के और अंडमान का भी नाम रोशन हो। जय हिंद, मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो हमारे द्वीपों में देखा जाए तो हुनर की कमी नहीं है, भरपूर टैलेंट्स है यहाँ पे, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आर्ट एंड कल्चर हो, गायकी हो, नृत्य हो, स्पोर्ट्स के फील्ड हो, हर क्षेत्र में जो द्वीपवासी है उन्होंने बहुत महारत हासिल की है। महारत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन हम आप लोगों को कई सारे ऐसे टैलेंट्स का वीडियोस दिखाते हैं, इंटरव्यूज दिखाते हैं, जहाँ पे हमारे द्वीपवासी जो है बड़े बड़े मंच तक जाते हैं और फिर अपने साथ हमारे द्वीपों का भी नाम रोशन करते हैं। अभी हाल ही में हमें सूत्रों से पता चला कि अंडर 17 का भी सिलेक्शन हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही खुशी का समाचार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संजय मेहशाक जी, जो आप सब जानते ही हैं कि एक्स काउंसलर है यहाँ प्रतापपुर के, उनको जो है अंडर 17 के लिए इंडियन डेलीगेट्स का जो टीम जो रिप्रेजेंट करने भूटान जा रहा है उनके लिए उनका चयन किया गया है। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है कि संजय मेहशाक जी एक आइलैंडर है, हमारे द्वीपों के ही है, और पूरे भारत में अंडर 17 के लिए उनको उनका सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत खुशी और गर्व की बात है हम सब के लिए। इसी सिलसिले में और थोड़ी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ सीधे संजय मेहशाक जी के पास आए और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो खबर हमें मिली है ये एकदम सही है, तो इस बारे में थोड़ा और जानकारी हम उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो न्यूज अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह का अगर आप ये जो अचीवमेंट वाला बात अगर आप लोग दिखाएंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, उन लोग भी प्रयास करेंगे कि उनको भी इस तरह का मौका मिले। और रहा बात, एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। मैं अपना नहीं बोलता हूं पर अंडमान आइलैंडर्स हमारे जितने यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है कि इंडियन टीम जो अंडर 17 बॉयज है उसका एज ए हेड ऑफ द डेलीगेट्स बनाया गया है मुझे। तो ये मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, पर देखने के बाद जब ऑर्डर वगैरह सब आया, चीफ सेक्रेटरी को लेटर आया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं गर्व महसूस करता हूँ, पूरा एसोसिएशन, पूरा आइलैंडर्स से उनका दुआ के लिए कामना करता हूँ कि वो दुआ करे कि हम लोग सही सलामत जाए और अच्छा से जाके इंडियन टीम जो खेलेंगे वहाँ अच्छा अपना प्रदर्शन करे, ताकि जो हेड ऑफ द डेलीगेट संजय पिचाई के और अंडमान का भी नाम रोशन हो। सर ये सिलेक्शन हुआ किस बेसिस पे, थोड़ा वो बताएं। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मुझे मौका दिया है कि क्योंकि और भी स्टेट्स है अगल बगल, देखिए भूटान के बगल सिक्किम है उनको नहीं दिया, अगल बगल बहुत स्टेट्स है, पर संजय मिश्रा को दिया है। ये तो मतलब क्या बोलेंगे, एक हमारा जो इतना 35 साल के बाद हम लोग का जो संघर्ष है अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन को जो लेके जा रहे हैं हम लोग, पहले एक टीम जा रहा था, अभी 9-10 टीम जा रहा है, तो ये सब देख के हमारे प्रेसिडेंट जो कल्याण चौबे जी हैं उनको लगा कि अंडमान से भी काफी उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैं AIFF फैमिली, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो फैमिली है, मैं उनको पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया। और थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मुझे पासपोर्ट के बारे में कहा गया, वहां से बोला गया कि आप पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट का अंडमान में कोई दिक्कत नहीं है, अंडमान से इतना बढ़िया से सारा कुछ वेरिफिकेशन होके कोर्ट से NOC, जिसका कोई तरह का कोई इशू है तो कोर्ट से NOC लेके वहां चले गए हैं। कलकत्ता जाने के बाद अंडमान एक अभी देखा जाए तो आस्ते आस्ते ये नरक बन रहा है ये ऑफिशियल मैटर में, तो ये बहुत बुरा हो रहा है अंडमान के लोगों के संग, मतलब ये बहुत तरह का मतलब अत्याचार किया जा रहा है। जैसा कि मैं खुली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये पासपोर्ट को लेके बता रहा हूँ कि जिसका बन गया तो बन गया, अच्छी बात है, जिसका नहीं बनता है उनको वहां जाना पड़ता है, स्टेटस में आता है कि आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको आना है, पर हम लोग को सेल्फ वहां पर ऑनलाइन भरना पड़ता है कि आपको कब जाना है अंडमान से जाना, सेल्फ भरना है। अंडमान है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आप लोग ये टाइम में आ जाओ, तो हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग वहां गए, वहां जाने के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का लेटर वगैरह दिखाए, इतना हैरेसमेंट है वहां पर पूछिए मत। फिर उसके आगे में एक अच्छा इंसान भी मिला, बोले 3-4 दिन में मैं आपका भेज दूंगा, पर वो तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, जैसा है वैसे ही स्टेटस भी वैसे ही है। मैं अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, जो भी इसे डील करते हैं, आप क्यों ना यहाँ पर एक पूरा जितना सिस्टम है यहाँ करते प्रिंट के लिए खाली वहां भेजे, ताकि हमारे आइलैंडर्स को तकलीफ न। मैं इतना तकलीफ हुआ तो हमारे कितने लोग होंगे जो ये तकलीफ को बर्दाश्त करके बैठते हैं। मैं तो बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं है, मैं कहने वाला हूं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे मतलब नहीं है,
जो तकलीफ हो रहा है मैं बता रहा हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ, अंडमान जो है नरक की ओर जा रहा है, बर्बादी की ओर जा रहा है। नाम रखे बहुत खुशी का बात है, श्री विजयापुरम, ये अच्छी बात है, रख दिया, चलो छोड़िए, उनका मर्जी है, रख दिया। अब तो उनका जो मोदी है तो मुमकिन है, तो सबको पता है। अगर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसका मतलब यहाँ से कोई रिकमेंडेशन भेजा है तो ये बहुत गलत है, पूरा सबका लेके करना था, क्योंकि अंडमान में कितने लोगों ने कितना लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तो हमारा अंडमान के जो जितने भी पुराने बसिंदे हैं जो भी यहाँ रहते थे उनको अच्छा लगे, जो रह रहे हैं उनको अच्छा लगेगा कि उनका पूर्वजों के नाम से ये आइलैंड को रखा है, एक छोटा सा कोई विलेज को रखा है या जो भी है। अभी ये जो श्री विजयपुरम कन्यापुरम है, मलयपुरम, क्या क्या कितना तरह का पूरा नाम है, तो ये नाम कुछ सही नहीं है। अगर रखना चाहते हैं तो एक एक रोड दे दो, 10-10 किलोमीटर के रोड में रख दीजिए श्री विजयपुरम रोड, हम लोगों को भी अच्छा लगे भाई, अरे बाबा विजयपुरम रोड है, इतना अच्छा बना है, इतना चमक रहा है। तो उस तरह एनएच का भी है, एनएच क्यों बोल रहे हैं उसको, रोड बोल दीजिए, ए पार्ट से यहाँ तक, यहाँ से जिरकाडन तक, जिरकाडन से बाराडांग तक, आप कोई भी पुरम का नाम रखिए, कोई इशू नहीं है। नाम बदलने का आपको मैं टैक्टिक्स बता देता हूँ इनका, ये जो कर रहे हैं ये लोग चाहते हैं कि लोग इसमें उलझे रहे, पानी जो रोजमर्रा का हम लोग का जीवन है उसके लिए मतलब कुछ बोलना नहीं है, सड़क बिजली पानी ये सब और बेरोजगारी की समस्या, इसका बारे में कोई बोलना नहीं है, बस विजयपुरम विजयपुरम लड़ते रहो। बीच में नॉर्थन हमारा नॉर्थ वे के लिए वो था, वो क्या किसान मणिपुर क्या कुछ बोले है पता नहीं, हम लोग तो नॉर्थ वे से हम लोग बोलते रहेंगे हमारी जिंदगी, माउंट हैरियट को मणिपुर नाम दिया, माउंट मणिपुर नाम दिया, मणिपुर नाम से, पर हम लोग नॉर्थ वे बोलते हैं, एवलॉग को एवलॉग ही बोलते हैं, नील को नील ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का लाइफ अभी बस हो गया है और कुछ साल है बस। तो हम लोग चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट करके नाम रखिए, खुशी लगेगा हम लोगों को, ये हम लोग कोई अपोज नहीं करें नाम का, अब डेवलपमेंट करो, पहले काम करिए उसके बाद नाम रख दिए, तब जाके अच्छा लगेगा। काफी लोग सोशल मीडिया में तो इतना हो रहा है पर कुछ होने का तो नहीं है, पर हम लोग भी इसी तरह बोल सकते हैं, उससे ज्यादा क्या है। पर ये दो पार्टी, ये बीजेपी कांग्रेस, अगर आइलैंडर का भलाई चाहते हैं तो दोनों मिलकर आइलैंडर का इश्यूज के लिए काम करें, ना कि पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स अलग चीज है, इलेक्शन आएगा आप लड़िए, बहुत खुशी की बात है, मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूं, पर मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं बीजेपी से बात करें, दोनों मिलके करें, या बीजेपी से भी कहना चाहता हूं कांग्रेस से मिलो, आइलैंडर का भलाई के लिए काम करो। इलेक्शन आएगा आप लोग अलग अलग लड़िए, जो बुराई करना करिए, पर ये जो पॉलिटिकल जो आप लोग कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहता है कि ये लोगों बीच में दोनों कांग्रेस बीजेपी को मिलने मत दो, फूट डालो और अंडमान को बर्बाद करो। देखिए यहाँ पे मुद्दा एकदम भटक गया है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने आए थे संजय मेशाक जी से कि उनका जो है एज ए डेलीगेट सिलेक्शन हुआ है अंडर 17 जो फुटबॉल टीम जा रही है भूटान थिम्पू पारो वहां पे, लेकिन वही बात करते करते उन्होंने दो मुद्दों को यहाँ पे उठा दिया। एक ये है कि किस तरीके से आज अंडमान के द्वीपवासियों को एक पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी जैसा उनका निजी एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अभी जब देश से बाहर जाना था तो उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि वहां के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि भूटान जैसे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है, इंडियन आइडेंटिटी है, तो उसके बेसिस पे भी आपको उस देश में एंट्री मिल सकती है। मगर चूंकि इनके जहन में ये आया कि इन फ्यूचर भी अगर उन्हें कहीं विदेश जाना पड़े फुटबॉल टीम्स को लेकर या किसी भी मसले को या घूमने फिरने, तो उन्होंने सोचा पासपोर्ट की तैयारी अभी से कर ले, और लेकिन जिन दिक्कतों का उन्होंने सामना किया इससे वे खासा नाराज हैं, और वे कह रहे हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म तो भरा जाता है मगर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली इंसान को कोलकाता जाना पड़ता है, जो बहुत ही और इतना आसानी से होता भी नहीं है। वे चाहते हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा आसान किया जाए ताकि यहाँ के द्वीपवासियों को जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ अंडमान में ही हो जाए, जहां पर भी वो रहते हैं वहीं पर उनका वेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि समय निकालकर पैसा खर्च करके मेनलैंड जाए, खासकर कोलकाता जाए, और वहां से जाके वहां पर भी इनका कहना है कि काफी माथापच्ची करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर इन पासपोर्ट मिलता है। तो अगर इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए, आसान कर दिया जाए, तो फिर हम द्वीपवासियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा प्रशासन की ओर से। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बात करते करते इस दौरान यह कह दिया कि अभी ये जो नाम बदला गया है श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का, इससे वे बहुत नाराज हैं और वे नहीं चाहते कि ये नाम बदला जाए। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आइलैंडर से किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं लिया गया, बस कुछ जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इसमें हामी भरी और केंद्र सरकार ने जो है इस नाम को बदल दिया, जिससे संजय मेशाक खुद एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं
वार्ड काउंसलर रहे हैं, काफी बड़ा वार्ड है इनके हाथ में, ना तो इनको पता चला ना ही वार्ड में रहने वाले किसी भी निवासियों को पता चला और पोर्ट ब्लेयर का नाम यूं ही बदल दिया। उन्होंने अपनी चिंता जताई है, अपनी नाराजगी भी जताई है। अब इस पे देखते हैं आगे क्या होता है, क्या केंद्र सरकार हमारी इन बातों को ध्यान देती है, क्योंकि जैसा हमने आप लोगों को एक और एपिसोड दिखाया है जहां पे हमने आप लोगों को बताया किस तरीके से ज्यादातर जो अंडमान के निवासी हैं वे इससे नाराज है। आप खुद देख सकते हो व्हाट्सएप में कई सारे ओपिनियन पोल सर्कुलेट हो रहे हैं, कई सारे वोटिंग चल रहे हैं कि कौन पोर्ट ब्लेयर नाम चाहता है और कौन जो है नया नाम श्री विजयपुरम चाहता है। वहां पर भी आप देख सकते हो कि कम से कम 90% लोगों का जो झुकाव है, जो वोटिंग है, वो पोर्ट ब्लेयर की ओर ही जा रहा है। लेकिन क्या हमारे ऐसे वोटिंग करने से, इस तरीके से चिल्लाने से, नाराजगी जताने से केंद्र सरकार को कोई भी फर्क पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, इस पे ये ध्यान देने वाली बात है और इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हुए हम संजय मेशाक जी से ये जानना चाहते हैं कि सर कितने बच्चे इस बार आपके साथ जा रहे हैं? ये इंडिया टीम है, ये अंडमान का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये इंडिया टीम है जो अंडर 17 बॉयज, उसमें 31 लोग जा रहे हैं मेरे संग में, मैं एज ए हेड ऑफ द डेलीगेट्स हैं। और रहा बात पासपोर्ट का, जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को मेरा पासपोर्ट चाहिए था, मुझे तो पता था कि इसमें पासपोर्ट नहीं लगेगा, मैंने आपसे भी बात किया था तो आप भी बोल रहे थे कि इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड से हो जाए, तो बाद में ऊपर वाला का दुआ, ऊपर वाला को मंजूर था कि संजय मिश्रा को जाना है और वो मेरा जो है इलेक्शन कार्ड उससे मुझे परमिट मिल गया, तो लकीली मिल गया, अच्छी बात है। पर देखिए अभी कम से कम 20-25 दिन हो गया है, पासपोर्ट अभी तक नहीं है, मोर देन 25 डेज हो गया है पासपोर्ट अभी। मैं ये चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर मेरा बात एलजी तक या चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचता है, सिंपल सा काम है, जितना वेरिफिकेशन करना है, जो भी तरह का करना है, अंडमान में कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रिंटिंग के लिए आप कलकत्ता भेजिए, दिल्ली भेजिए, जहां भेजने मनते भेजिए। इस बार जो टीम जा रही है, इंडिया की टीम जा रही है, उसमें से अंडमान निकोबार से कोई भी है? अंडमान एंड निकोबार अभी कुछ सालों से ही अभी इसमें थोड़ा सा जोर पकड़ा है फुटबॉल को लेके, और हम लोग आने के बाद से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो टाइम लगेगा अंडमान का सिलेक्शन के लिए, काफी टाइम लगेगा। हमारे जो अंडर 14 बॉयज गर्ल्स जा रहे हैं, अंडर 16 जा रहे हैं, इसी तरह का हर कैटेगरी का जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब टूर्नामेंट में हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ एक सिलेक्शन कमिटी बैठता है, अगर वो सिलेक्शन कमिटी में अगर किसी को लगता है कि ये बच्चा को उठा लें और ये बच्चा अच्छा है, इसको हम लोग अगर कोचिंग देंगे तो इंडिया का काम आएगा, तो उस तरह का भी टाइम लगेगा। अभी हाल ही में लास्ट टाइम संतोष ट्रॉफी से हमारे 2 जन को सिलेक्शन किए थे, फिर उनका कुछ निजी मामला था तो बोल के वो बच्चे वापस आ गए, तो इस तरह का भी हम लोग जो अंडर 14 गए उसमें भी किसी किसी का सिलेक्शन हुआ, अंडर 16 का भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको कॉल आएगा तो वो जाएंगे वहां पर। एक का सिलेक्शन हुआ था तो उसको रेड कार्ड मिल गया बोल के उसको फिर लोग हटा दिए उनको, तो होगा, टाइम लगेगा, पर आने वाले कम से कम 2-4 साल में जरूर अंडमान का जो प्लेयर है जो इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करेगा, तब जाके हम लोग को बहुत गर्व महसूस होगा। डेफिनेटली। और संजय मिश्रा जी, ये जानना चाहूंगा कि कितने दिन का टूर है ये आप लोग? ये बहुत लंबा ट्रिप है, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर 18 को जो है हमारा वहां से भूटान के लिए हमारा सफर रहेगा, और वहां पर हमारे 29 तक हम लोग को रहना है, वहां से 30 या 1 को हम लोग रिटर्न होंगे, कलकत्ता आएंगे, फिर वहां से मैं अपना जो जन्मभूमि है अंडमान, जो स्वर्ग कहलाता है, पर अभी तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये सरकार की वजह से इसको नरक मुझे कहना पड़ता है। हाँ चलिए, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अवश्य एक अलग से डिटेल, जब आप रिटर्न आ जाओगे, खुशखबरी उम्मीद करते हैं कि खुशखबरी लेकर आओगे भारत देश के लिए, कुछ ट्रॉफीज वगैरह लेकर आओगे और एक सक्सेसफुल डेलीगेट होने का एक प्रमाण भी दोगे, तब हम आपसे इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, हम चाहते हैं कि संजय मेशाक जी जो है हम सबकी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़े। आज जिस तरीके से उनका अंडर 17 में इंडियन डेलीगेट्स में उनका सिलेक्शन हुआ है, ये एक बहुत ही गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। देखिए, अगर दिल में चाह है तो मंजिल कभी भी दूर नहीं होती है, मंजिल कभी भी नामुमकिन नहीं होती है, बस आपने लगे रहना है। संजय मेशाक जी जो है अंडमान फुटबॉल एसोसिएशन के साथ कई समय से जुड़े हैं और इन्होंने कई बरसों से देखा है कि अंडमान में जो फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी है, जो फुटबॉल प्रेमी है, उन लोगों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कई कोशिश की है, हमसे कई बार उनकी बात हुई है और वे चाहते हैं कि अंडमान में जो फुटबॉल लवर्स है वे काफी निराश है कि उनको जो है सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको सही फैसिलिटीज नहीं मिलती है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है, कोई बेटर ट्रेनर नहीं है। इन सारे मुद्दों पे हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इच्छुक खिलाड़ी बहुत है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। अगर महेंद्र सिंह धोनी जी एक छोटे से गांव से आ सकते हैं, एक छोटा मोटा जॉब करते हुए एज ए TT कलेक्टर वो इंडिया के कैप्टन बन सकते हैं, वो कैसे मुमकिन हुआ?
वो तभी मुमकिन हो पाया कि एक बार जब उनके टैलेंट को देखा गया, उनको उनको जो है अपने कैंप में लिया गया और वहां पे बेटर से बेटर ट्रेनिंग दी गई, फैसिलिटीज दी गई, तभी वो जो है इतने आगे बढ़ पाए। तो जरूरत है हमें भी उन हीरो मोती को ढूंढने की जो हमारे द्वीप में है, उनको जो है सही प्रशिक्षण देने की, उनके उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, उनके लिए बेटर से बेटर ट्रेनर्स दिलाने के लिए। यकीन मानिए हमारे अंडमान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम देखते हैं कई बार हमारे जो निकोबार क्षेत्र के जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे पोर्ट ब्लेयर में, बम्बू फ्लैट तरफ एरिया में, शहर में भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल में बहुत नाम कमाया, मगर वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वे काफी दुखी होते हैं। वे हमसे भी मिलते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कुछ करें इस बारे में, आवाज उनकी पहुंचाए। हम लगातार उनकी आवाज पहुंचाते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल हमने तकरीबन 7-8 फुटबॉल टूर्नामेंट्स आप लोगों के लिए कवर किया था और आप लोगों ने देखा भी कितने अच्छे अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी हमारे द्वीपों में हैं, सब काफी टैलेंटेड है, मगर उनको जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अंत में मैं संजय मेशाक जी को तो बेशक ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, उन्होंने जो है हमारे अंडमान निकोबार का नाम ऊंचा किया है और वे जो है एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है, और वे हमेशा से प्रयास भी करते रहे कि यहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों को बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिले। और जब वे रिटर्न आएंगे तो हम उनसे एक और मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अंडर 17 इंडियन टीम जो भूटान जा रही है उनकी कामयाबी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वे कामयाब होकर ही वापस आए। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग भी इनको ढेरों शुभकामनाएं दीजिए, कमेंट सेक्शन में ही सही आप संजय मेशाक जी को प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट करिए और उनको बेस्ट विशेष भी दीजिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यमीन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।